Dear students, welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD sir. So in last class we had discussed about the semiconductor physics basics padha tha in terms of the energy band, types of the energy band and the material on basis of the energy band. And after that we are discussing about the semiconductor in terms of the intrinsic and the extrinsic semiconductor. Then the p type and the n type semiconductors. तो उससे रिलेटेड अपन ने कुछ आईआईटी और नीट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोर्ड में लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन अपन ने एज ए होमवर्क कंसिडर किए थे. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क अच्छे से किया होगा. यदि कहीं भी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा. आज अपन उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पी एंड डायोड. इट इज ऑल्सो टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड एग्जाम में पी एन डायोड से 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज मिलता है, बट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द पी एन डायोड. तो पहले अपन स्टडी करते हैं बेसिक्स पी एंड जंक्शन की और द पी एन डायोड. एग्जैक्टली जब भी अपन जंक्शन की बात करते हैं तो जंक्शन होता क्या है? वेन आपके पास कोई भी दो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेमी कंडक्टर्स. अर्लियर वी आर डिस्कस्ड अबाउट द पी टाइप एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स. तो यदि अपन एक पी टाइप का लेते हैं दूसरा एन टाइप का और दोनों को आपस में ज्वाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? एक ऐसी फॉर्मुलेशन बनेगी, एक ऐसा सेक्शन बनेगा जहाँ पे दोनों आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर्स की जो लेयरिंग्स हैं वो क्या होंगी, आपके पास ज्वाइंट होंगी. और वो ज्वाइंट होंगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपके पास चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. तो इसी फॉर्मुलेशन में जहाँ पे दोनों ज्वाइंट करेंगे वो पोर्शन आपके पास क्या होगा, जंक्शन के टर्म्स में डिफाइन होगा. क्लियर? इट मीन्स आपने एक पी टाइप का लिया और एक एन टाइप का लिया, आपने दोनों को ज्वाइंट किया तो ये दोनों जहाँ पे ज्वाइंट हो गए इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द पी एन जंक्शन. तो बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो हियर वी आर कंसिडरिंग द पी टाइप सेमी कंडक्टर, अनदर इज टू बी द एन टाइप सेमी कंडक्टर. देन अब अपन देखिए पी टाइप और एन टाइप में अपन ने टू टाइप्स ऑफ द चार्ज कैरियर्स पढ़े थे. वन इज टू बी द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स एंड अनदर इज टू बी द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते थे. पी टाइप की बात करूं तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिव होते थे, इट मीन्स होल्स होते थे, और नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जो अपन स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करते हैं वी आर कंसिडर्ड एज द फिक्स चार्जेस, मतलब रेस्ट में कंसीडर करते हैं. तो ये नेगेटिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, दैट्स व्हाई नेगेटिव जो आयंस हैं उनको मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. एंड द फ्यू एक्सेस नंबर ऑफ द होल्स आर टू बी इन बिटवीन देम. ये जो होल्स हैं ये आपके पास एक्सेस नंबर ऑफ होल्स है, इट मीन्स प्रति ईच एंड एवरी जो भी आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा उसके एक होल्स तो होगा ही, बिकॉज इट इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज नॉर्मल फॉर्मुलेशन में देखें. But in case of the p types, the number of the holes are to be greater than number of the electrons. इसका मतलब number of the electrons holes 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 12 electron 12 holes but 1 2 3, there are the 15 holes and 12 electrons. It means it is to be greater than. Similarly, n type में आपके पास minority charge carriers कौन से होंगे? Positive charge carriers होंगे. That's why positive को आपने इसी formulation में fix up किया. एंड इनके रेस्पेक्ट में इनके साथ कौन से होंगे इलेक्ट्रॉन और द नेगेटिव चार्ज कैरियर्स, ये इसी तरीके से मूव करेंगे. हेंस वी आर हैविंग द अनदर फॉर्मुलेशन इन टर्म्स ऑफ द हियर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. एन टाइप में यही बनेगा, या फिर यदि अपन काउंट करना चाहें नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 12 + 3, इट इज टू बी द 15, इट्स ग्रेटर देन 12. जब अपन इन दोनों को इंटरमोलिकुलरली इंट्रैक्ट करवाएंगे देन जो इंट्रैक्शन रीजन होगा, यहाँ पे आपने पी टाइप को एज इट इज यूज किया, इधर से आपने एन टाइप को एज इट इज यूज किया, देन दिस फॉर्मुलेशन जो इन दोनों का जॉइनिंग कॉमन सरफेस होगी इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द जंक्शन. तो पहली चीज तो ये समझिए कि आपके पास पी एन जंक्शन कैसे बना. आपने एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर, दोनों को आपस में ज्वाइन किया तो जो ज्वाइनिंग सरफेस है इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द जंक्शन. नेक्स्ट, अब जैसे ही आपके पास इसकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी, हियर द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस जो आपके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू मूव. जब भी आपके पास इनिशियली कुछ भी यदि मूवमेंट होगा कहीं भी तो वो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स का होगा. इट मीन्स इन पी टाइप आपके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी होल्स, दैट्स वाई यहाँ से आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है वो किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, और इधर से जो नेगेटिव चार्ज कैरियर्स है वो किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे.
तो इधर से होल्स आपके पास मूव करेंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे. आफ्टर सम टाइम्स दे आर टू बी रिकम्बाइनिंग विद ईच अदर. रिकॉम्बिनेशन अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. इट मीन्स नंबर ऑफ द चार्ज कैरियर, जब अपोजिट टाइप ऑफ द चार्ज कैरियर्स आपस में एक दूसरे पे एक फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं, दे आर टू बी न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर. तो यहाँ पे यही फॉर्मुलेशन होगी. एन टाइप से सॉरी पी टाइप से कुछ होल्स मूव करेंगे, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, दे आर टू बी मूविंग विद देयर बेसिक स्ट्रक्चर्स. तो इधर से माइनस वाले इधर आ गए, इधर से प्लस वाले इधर आ गए. एंड इट मीन्स देयर द बैरियर्स आर टू बी, यहाँ पे आपके पास क्या होगी, बैरियर्स की फॉर्मुलेशन होगी, बैरियर इज टू बी फॉर्मुलेटेड. और जब भी आपके पास बैरियर फॉर्मुलेटेड हो गया, देन दिस फॉर्मुलेशन इज टू बी कंसिडर्ड एज द डिप्लीशन लेयर. इट मीन्स ये आपके पास कौन सी होती है, आपके पास इट इज टू बी ए चार्ज फ्री रीजन. मतलब जब आपके पास यहाँ से कौन से होल्स पॉजिटिव चार्जेस में मूव किया, इधर से इलेक्ट्रॉन्स में मूव किया, दैट टू बी रिकम्बाइनिंग एट ए पर्टिकुलर स्टेज, एंड आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेशन दे आर टू बी न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. इट मीन्स देर इज ए चार्ज फ्री रीजन, एंड दिस चार्ज फ्री रीजन इज टू बी कंसिडर्ड एज द डिप्लीशन रीजन. तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, डिप्लीशन रीजन बन गया. अब देखिए जैसे डिप्लीशन रीजन बना, इट मीन्स देर आर द पॉजिटिव चार्जेस एंड द नेगेटिव चार्जेस, एक साइड में पॉजिटिव है दूसरे में नेगेटिव है. इट मीन्स इट इज टू बी बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटर. और उस फॉर्मुलेशन में आपके पास क्या होगा, देर इज ए बैरियर पोटेंशियल इज टू बी डेवलप्ड अक्रॉस द इट. तो इसके चारों तरफ आपके पास क्या बन जाएगा, इसके सराउंडिंग में एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, एंड दिस पोटेंशियल इज टू बी नोन एज द बैरियर पोटेंशियल. एग्जैक्टली बैरियर पोटेंशियल क्यों बोला गया, बिकॉज इट इज टू बी बिहेविंग लाइक ए बैरियर इन बिटवीन द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स. सपोज यहाँ पे मेजोरिटी कौन से थे आपके पास, होल्स थे. अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, देन दिस पॉजिटिव चार्जेस आर टू बी अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस होल्स. इधर आपके पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से थे, दे आर टू बी द इलेक्ट्रॉन्स. और इधर नेगेटिव आ गए, देन दिस नेगेटिव चार्जेस आर टू बी रिपेलिंग द मोशन ऑफ और फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स इट इज टू बी क्रिएटेड ए बैरियर इन बिटवीन द फ्लो ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स फ्रॉम पी टाइप टू एन टाइप. देन इट इज टू बी कंसिडर्ड एज द बैरियर पोटेंशियल. और बैरियर पोटेंशियल इसकी टेंडेंसी क्या होती है, इट इज ऑलवेज टू बी अपोजिंग द मोशन ऑफ द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ध्यान देना जितनी भी मैकेनिज्म अपन ने पढ़ी है, वी आर नॉट टू बी कंसिडरिंग हियर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिकॉज द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इफेक्ट टू बी नेग्लेक्टेड विद रेस्पेक्ट टू द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. बिकॉज जो नंबर्स में ज्यादा होंगी, इफेक्ट आपके पास उन्हीं का रिप्रेजेंट ही होगा. हियर इट इज टू बी द बेसिक फॉर्मुलेशंस ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड. नेक्स्ट द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन टर्म्स ऑफ द डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट. एग्जैक्टली डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होता क्या है, डिफ्यूजन इज टू बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द कंसेंट्रेशन. इट मीन्स इट इज टू बी हैपन्स ड्यू टू द कंसेंट्रेशन डिफरेंस. अर्लियर वी आर डिस्कस्ड अबाउट द पी एंड एन टाइप सेमी कंडक्टर्स, देर आर द माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. इट मीन्स वेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग ए पी एन डायोड, जब आप एक पी एन डायोड बना रहे होते हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट पी टाइप जो सेमी कंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स आर टू बी होल्स, एंड द एन टाइप में जो सेमी कंडक्टर्स होता है उसमें आपके पास होल्स आर टू बी द माइनॉरिटी कैरियर्स. दैट्स वाई पी टाइप से जो आपके पास होल्स होते हैं वो डिफ्यूज होते हैं. हायर कंसेंट्रेशन किस में होती है, पी में, और लोअर कंसेंट्रेशन किस में होती है, एन में. दैट्स वाई द होल्स आर टू बी डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन, एंड सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी. बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इन टू द एन टाइप, एंड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन टू द एन टाइप. दैट्स वाई होल्स तो पी से एन की तरफ डिफ्यूज होंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी डिफ्यूज फ्रॉम एन टू पी टाइप. इट मीन्स इट इज टू बी द बेसिक द डिफ्यूजन प्रोसेस. नेक्स्ट द प्रोसेस इज टू बी द ड्रिफ्टिंग. वेन वी आर कनेक्टेड ए पी एन डायोड इन टू द सर्किट, इट मीन्स वी आर जस्ट टू बी एडेड अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर डायोड. देन ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देर इज ए मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, और द मोशन इन द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स. ड्यू टू दैट देर इज ए ड्रिफ्टिंग प्रोसेस इज टू बी देर. मतलब ड्रिफ्ट तब होगा जब आप उसको बाहर से बैटरी से कनेक्ट करेंगे. ड्रिफ्ट इज ऑलवेज हैपन्स विद रेस्पेक्ट टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड, एंड द डिफ्यूजन इज ऑलवेज हैपन्स विद द कंसेंट्रेशन डिफरेंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द चार्ज कैरियर्स. नेक्स्ट द डिप्लीशन लेयर, वी आर ऑलरेडी टू बी डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ द इट इज ए चार्ज फ्री रीजन. इट कंटेन्स द अपोजिट चार्ज कैरियर्स. इट मीन्स ये एग्जैक्टली आपके पास जब भी आप पी ए और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, तो जो ज्वाइनिंग सरफेस होती है एट दैट पर्टिकुलर सरफेस
पी टाइप और एन टाइप की जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है दे आर टू बी रिकम्बाइंड एट देयर लेवल एंड नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ईच अदर. इट मीन्स देयर इज अ चार्ज फ्री रीजन इज टू बी क्रिएटेड एंड दिस चार्ज फ्री रीजन इज टू बी कंसिडर्ड एज द डिप्लीशन रीजन, जिसको अपन अक्षय परत के रूप में बोलते हैं. नेक्स्ट द बैरियर पोटेंशियल, हियर द depletion region is to be created. It means the one part of the depletion region is to be considered as the positively ionized and the second part is to be considered as the negatively ionized. Like this, एक तरफ आपके पास negative ions बन गए, दूसरी तरफ आपके पास positive ions बन गए. If they are to be separated by a distance d, then the barrier potential. In earlier classes, we are just to be discussing the relation between the electric field and the potential. In terms of the E equal to minus dV upon dr. Here the dr to be separation between the plates. Then the formulations here the dV equal to kya formulation banega? E dot dr. In place of the dr we are just to be using the separation between the plates are to be, or it is to be the width of the that particular depletion layer. D yahan pe depletion layer ki width hai wo kitni hai? Aapke paas d. Then the VB is to be in terms of the EB into d. EB kya? It is to be the इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अवक्षय परत बनाई तो वहां पे एक तरफ आपके पास पॉजिटिव आयंस दूसरी तरफ नेगेटिव आयंस हो गए. इट मीन्स देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डेवलप्ड हियर. वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड हो गया एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कंसिडर्ड एज द ईबी. ईबी इज टू बी द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड. देन द बैरियर पोटेंशियल इज टू बी इक्वेटेड बाय द बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर एंड द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर हैज टू बी चेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बाइसिंग ऑफ द पीएन जंक्शंस, जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. हियर द इम्पोर्टेंट थिंग, यदि आप यहाँ पे वीबी को चेंज करना चाहें तो वी आर हैविंग ओनली वन ऑप्शन बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर नॉट एबल टू चेंज द डी. देन वी आर जस्ट टू बी मेक आउट द चेंजेस इन टू द ईबी. और ईबी में चेंज कैसे होंगे? We are able to make these changes with the help of changing the doping of that particular PNA diode. यदि आप P type और N type में doping level को change कर देते हैं, it means we are able to change the barrier potentials. तो barrier potential यदि आपने कोई भी एक normal ideal diode construct किया है, तो उसके लिए circumstances में क्या होता है? Change हो सकता है, but it is to be fixed at particular manufacturing conditions. और ये जो फिक्स्ड होता है, इट इज टू बी एज पर देयर डिप्लीशन लेयर, सॉरी एज पर देयर डोपिंग रेशियो. देन डोपिंग रेशियो को चेंज करके अपन वीबी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं. नाउ वी आर कंसीडरिंग द अनदर पार्ट इन टर्म्स ऑफ द सिंबल डायग्राम ऑफ द पीएन डायोड. इट इज टू बी द सिंबल डायग्राम ऑफ द पीएन डायोड. ये जो आपके पास ट्रायंगुलर पार्ट होता है, इट इज टू बी कंसीडर्ड एज द पी टाइप और द पॉजिटिव टर्मिनल. तो ये आपके पास पॉजिटिव होगा और इट इज टू बी द नेगेटिव. और जो आपके पास एक सिंगल प्लेट की फॉर्म में होता है, इट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द एंड पॉजिटिव. इट इज टू बी द पॉजिटिव टर्मिनल और इट इज टू बी द नेगेटिव टर्मिनल. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द करंट इन टू दैट पर्टिकुलर डायोड. तो हियर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द करंट. फर्स्ट करंट इज टू बी इन टर्म्स ऑफ द डिफ्यूजन करंट एंड सेकंड वन इज टू बी द ड्रिफ्ट करंट. एज पर द अर्लियर वी आर डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन एंड द ड्रिफ्टिंग. इट मीन्स In both the process, there are a motion of the charge carriers from one part to another parts. That's why due to the motion of the charge carriers, it means there is a movement of the charge carriers and this movement is to be considered as the current into that particular region. That's why when we are considering a diffusion process, then the current is to be produced and this current is to be known as the diffusion current. It means diffusion current exactly kya hogi due to the concentration difference of the charge carriers. Holes are to be moving from the P type to N type because the holes concentrations are to be greater in P type and the lesser in N type. Similarly, the electrons are to be diffused from the N type to P type because the concentrations of the electrons are to be greater in N type and lesser in P types. That's why the formulations, there is a current, it is to be considered as in terms of the I diffusion. Next, I drift. When we are just to be connected a diode into a circuit, it means when we are applied a external electric field. जब अपन कोई भी external electric field applied करेंगे, तो due to that applied field, the charge carriers are to be moving from the P region to N region and N region to P region. Then it is to be considered as the I drift.
then the important thing is to be the relation between the drift and the diffusion, or sometimes it is also to be asked in your examinations, define the current into the PN junction diode. At that particular moment aapko dono ko define karna hai, drift and the diffusion current. Initially we are considering the formulations, because initially jab aapne kuch bhi applied nahi kiya, then the current is only due to the difference of their concentration. It means initially the diffusion current is to be maximum and the drift current is to be minimum, or we can say that the initially drift current is to be zero and the diffusion current is to be maximized. In between, when the circuitry is to be connected, it means lots of the charge carriers are to be moving from the higher concentration to lower concentrations. In between they are to be recombining, that's why the diffusion current is to be decreases as per the time. Next, in between the process diffusion or drift, diffusion current dheere dheere decrease ho raha tha and the drift current is to be increasing. Increase kyun hua? Because due to the applied field, the majority charge carriers from p type and n types, they are to be moving in between the p to n and n to p. That's why there is a current, and this current is to be increased because due to the applied electric field, the terminals of the batteries are to be applied a force. It is to be in terms of the repulsion or in terms of the attraction force. या तो बैटरी के टर्मिनल्स क्या करेंगे, चार्ज कैरियर्स को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल्स करेंगे. दैट्स व्हाई दे आर टू बी मूविंग इनटू द अपोजिट डायरेक्शन और द सिमिलर डायरेक्शंस. हियर एट द इक्विलिब्रियम स्टेज द डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे क्या होगा, द डिफ्यूजन करंट इज टू बी डिक्रीजेस बिकॉज द कंसेंट्रेशंस आर टू बी इनिशियली इंक्रीज थी आपके पास एक हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ डिक्रीज हो रही थी. एट द इक्विलिब्रियम स्टेज बोथ द लेवल्स ऑफ द कंसेंट्रेशन आर टू बी equated. That's why the diffusion current is to be constant, it is to be minimized, and the drift current is to be increases. At that equilibrium stage both the currents are to be equated to each other. It means yahan pe dheere dheere diffusion current to decrease hogi, but the drift current is to be increased. Aur ye jo drift current mein aapke paas increment hua, ye is prakar hua ki aapke paas they are to be equated, and this equated state is to be considered as the ideal state of the diode. It means normally jab apan kisi bhi diode ko operate karte hain, then this diode is to be considered as the ideal diode. Or ideally diode ki baat karenge to we are considering the diode as the equilibrium stage. It means normally jo aapke paas diode hota hai, us diode mein kya hongi, the drift current is to be equal to the diffusion current. It means it is to be, yadi aapse question pucha jaye, explain the drift and the diffusion current, or the explain the drift and the diffusion process, तो भी आपको इसी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है. और यदि आपको पूछा जाए एक्सप्लेन द करंट इनटू द पीएन डायोड, तो भी आपको इसी तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है. इट इज टू बी द बेसिक ऑफ द पीएन डायोड. इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बायसिंग ऑफ द पीएन डायोड. एक्जेक्टली देर आर द टू टाइप्स ऑफ द बायसिंग, फॉरवर्ड एंड द रिवर्स बायसिंग. उनमें अपन इफेक्ट्स को देखेंगे कि डिप्लीशन लेयर किस तरीके से चेंज होती है, एंड देन कनेक्शंस किस तरीके से होती है, करंट किस तरीके से चेंज होती है, बैरियर पोटेंशियल इज टू बी हाउ टू चेंज, एंड सारी फॉर्मुलेशंस के साथ इस चैप्टर के लिए अपने पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के होमवर्क क्वेश्चंस आपके पास क्या रहेगा, बिकॉज वी आर जस्ट टू बी डिस्कसिंग अबाउट द टू इम्पोर्टेंट फिनोमिनास, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूं. फर्स्ट एक्सप्लेन द diffusion and the drift process. Second, explain the current into PN diode and types of current in diode.